सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसे नोट कर सकती हो तो किताबों में नोट कर लो, दिल में नोट कर सकती हो तो दिल में नोट कर लो। ये जुमला अगर तुमने याद रखा तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी से बेइत्मीनानी और बेकरारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। नेकी करने में तकलीफ़ होती है लेकिन बाद में सुकून मिलता है। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है लेकिन बाद में बेचैनी महसूस होती है। इसलिए याद रखो, कभी भी जब कोई गुनाह करता है तो उस वक्त उसे गुनाह करना अच्छा लगता है, लेकिन जब गुनाह कर लेता है तो अंदर से ज़मीर मलामत करता है, ये क्या कर लिया। फिर वो बेचैनी बढ़ती है, फिर वो बेकरारी बढ़ती है, फिर वो इज़्तिराब बढ़ता है। लेकिन नेकी जब करनी होती है, यार छोड़ो बाद में कर लेंगे, लेकिन जैसे तैसे करके नेकी कर ली, उसके बाद ज़मीर पर बोझ नहीं होता, बोझ उतर जाया करता है, कल्ब को सुकून मिल जाया करता है। नमाज के लिए भी जब आप खड़ी होना चाहेंगी तो आपको यही महसूस होगा, लेकिन जब पढ़ लेंगी तो आपका ज़मीर मुतमईन होगा, आपका कल्ब मुतमईन होगा। आवारगी की दावत देने वाले लड़के की तरफ अगर आपने तवज्जो मबजूल कर ली और उसके साथ गुनाह में शरीक हो गई, लम्हों की लज्जत की बुनियाद पर क़यामत तक के लिए ज़मीर पर बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ख्वाहिश ठुकरा दी और अपने वजूद को अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारना शुरू किया और फौरन आपने तौबा की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ज़मीर को मुतमईन कर देगा। मौजूदा दौर में बेकरारी और बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है, आवारगी है, गुनाह है। बेकरारी की सबसे बड़ी वजह अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है। तो अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी नामूस की हिफाजत करो। जो बच्ची बाकिरदार और बाहया होती है, ज़रा देखें आप उसके घर का माहौल, ज़रा देखें उसके ससुराल में उसकी ज़िंदगी का माहौल, तो आप महसूस करेंगे वो तानों से महफूज होती है, उसकी ज़िंदगी में बहार होती है। शौहर को उस पर एतमाद होता है, शौहर को उस पर कॉन्फिडेंस होता है। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने नेक औरत की जो खूबियाँ बयान फरमाई उसमें कितनी प्यारी बात फरमाई। फ़स्वालिहात क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हाफ़िज़ अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नेकी करने वाली और इताअत करने वाली और हिफाजत करने वाली अपने शौहर के ग़याब में। याद रखें, वो औरत जो शौहर की इताअत करती है और शौहर के पीठ पीछे उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करती है, कुरान ऐसी औरत को नेक औरत कहता है, प्यारी औरत कहता है, अच्छी औरत कहता है। आज बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। शौहर घर से गायब हुआ, चैटिंग में लग गई। शौहर घर से बाहर निकला, चैटिंग में लग गई। शनासाई शुरू कर दी, मजाक मस्ती शुरू कर दी, दिल लगी शुरू कर दी। अल-अयाज़ु बिल्लाह। तारीख बताती है एक औरत जिसका दामन गुनाहों से दागदार था, लेकिन बाद में अल्लाह ने उसे इस्लाम की दौलत अता फरमाई। इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो निकल रही थी, उसको किसी ने आवाज दी और पहले की तरह उसे समझकर उससे मजाक और दिल लगी करना चाहिए, तो बर्दस्ता उसने कहा आज के बाद कभी मेरी तरफ निगाह उठा करके भी मत देखना, इस्लाम ने मुझे नूर अता कर दिया है। अब मैं आगोश इस्लाम में कदम रख चुकी हूँ। इस्लाम ने आबरू की हिफाजत की तालीम दी, इस्लाम ने इज्जत की हिफाजत की तालीम दी। मेरी बच्चियों, तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा है और हिफाजत का ख्याल करो। आने वाले दिन तुम्हारे जज्बात को मुश्ताइल करने के होंगे, आवारगी के रास्ते पर ले जाने के होंगे, लेकिन खबरदार तुम्हारा कदम बहकने न पाए। कोई कुछ भी कहे, मुस्तफा ने ऐसी औरतों को बेहतर औरत फरमाया है, और जिसे मुस्तफा बेहतर कहें वो दुनिया में भी बेहतर है और आखिरत में भी बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहु सारी खवातीन को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी की तौफीक नसीब फरमाए। आप बिल्कुल बाकिरदार बन जाएं। मुझे याद है एक किताब मैंने तरतीब दी और वो किताब मदीने मुनव्वरा में हुजूर मुफक्किर इस्लाम को मैंने दी कि इस पर हुजूर आप कुछ इस्लाह फरमा दें और तकरीज़ फरमा दें। हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने उस पर तकरीज़ लिखी तो ख़ुद मुझसे फरमा रहे थे कि कई मरतबा मेरी आँखें नम हो गईं, और जब वो किताब इंग्लिश में आई और हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने जब अपनी मस्जिद के अंदर उसका ऐलान किया तो फरमाया जिसकी बच्ची नसीहतों से न सुधरती हो उसे ये किताब दे दो, ये किताब पढ़ करके वो सुधर जाएगी। उस किताब का नाम है तज़किरे सालिहात। उसमें नेक औरतों के तज़किरे मौजूद हैं जो कुरान मुक़द्दस में और अहादीस रसूल में भी मौजूद हैं। आप इस किताब को लें, इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद एक अच्छे मुआशरे की तश्कील की कोशिश करें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ ज़िंदगी में वो औरत इतनी मुतमईन होती है जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की इताअत करती है और शौहर की फर्मा बरदारी करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कानून इलाही और कानून रसूल की पासदारी की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।